हिसार में पुलिस लाइन एरिया में शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह व पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद परिवारों के लोगों ने भी भाग लिया। उनकी शहादत में देश भर केंद्र व राज्य सरकार के तहत द्वारा शहीद दिवस देश मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो जवान व पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं, विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उन्हें दिल से नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद होने का जज्बा कुछ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। 21 अक्टूबर जो है वो पुलिस शहीद दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर राज्य की जो पुलिस हैं उनके द्वारा और केंद्र की जो पुलिस बल हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि 1959 के अंदर ITBP के 10 जो जवान जो थे लद्दाख के अंदर बॉर्डर के ऊपर जो है वो लड़ाई करते करते शहीद हुए थे। और उसके बाद में जो भी पुलिस फोर्सेस के जवान जो शहीद होते हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी कुर्बानी को सलाम करने के लिए जो है 21 अक्टूबर का पुलिस शहीदी दिवस जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी हमने जो है पुलिस शहीदी दिवस मनाया है। अपने जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, शहीद परिवारों के साथ हमने बैठकें की। उनका वैसे भी रेगुलर जो है वेलफेयर ब्रांच एक होती है हमारी इंस्पेक्टर वेलफेयर, वो रेगुलरली जो है उनके टच में रहते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते रहते हैं। आज रूबरू होकर के हमने भी उनसे बात की है और उसी कड़ी में हमने हमारे जो रिटायर पुलिस कर्मचारी जो अधिकारी हैं साथी वो भी आमंत्रित किए थे, वो भी आए और उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन जो है शहीद को अर्पित किए। पुलिस से रिलेटेड जो उनका जो फाइनेंशियल एड की बात अगर करें, पेंशन की और भत्तों की बात करें, मेडिकल एड की अगर बात करें, उस प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्योंकि एक पूरी की पूरी ब्रांच इंस्पेक्टर के अंदर काम करती है और हर महीने उन लोगों से कॉन्टैक्ट करके कोई असुविधा ना हो वो सारा का सारा निस्तारण होता रहता है। लेकिन परिवार से नौकरी में जो विद्वान व्यक्ति वो अगर चले गए तो नौकरी एक्सक्रीशिया के तहत जो उसमें थोड़ी सी नहीं होती थी, कुछ वो परिवारों की समस्या है कि उनके बच्चों को एक्सक्रीशिया के तहत नौकरियां नहीं लगी, कोई एलिजिबल हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही और अदरवाइज़ कोई लड़ाई झगड़े की या परिवार के अंदर किसी प्रकार की कलह वो कोई ऐसी समस्या सामने नहीं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर अगर अपनी कर्तव्य के ऊपर निचार होने का कभी मौका मिल जाए तो कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम सेक्रीफाइस है कि आप अपने कर्तव्य के ऊपर आप अपने जीवन का आप बलिदान दे देते हैं। और सभी शहीदों को आपके माध्यम से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। और शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा है और वो भाग्यशाली होते हैं वो जवान जिनको ये मौका जो है प्राप्त होता है।